सिरा में हम लोगों ने म्यूजिकल फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली में एक और एंटरटेनमेंट की जगह ऐड हो गई। दिल्ली को बहुत सारी ऐसी जगहों की ज़रूरत है और DDA की और हम लोगों की ये पॉलिसी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट की प्लेसेस दिल्ली के लोगों के लिए क्रिएट करें। आने वाले समय में भी कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम दिल्ली के लोगों को जो वो डिज़र्व करते हैं, एक बेटर प्लेस जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ लोग आकर बैठें, अपने को एंटरटेन करें, शाम गुजारें, ऐसी प्लेसेस को और डेवलप किया जा रहा है और बहुत जल्द ही DDA के माध्यम से हम उनको इनॉग्रेट करने वाले हैं। बांसेरा, जैसा कि आप जानते हैं, ये जगह आज से एक साल पहले एक CND वेस्ट की जगह हुआ करती थी, जहां आना भी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन ये लगभग 28 एकड़ की जगह को रिक्लेम किया गया, इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा बैम्बू स्पीशीज़ को लगाया गया है और DDA ने इसे करीब 6 से 7 महीने में तैयार किया था और अभी एक ऐसी जगह बनकर तैयार हो गई है कि जहाँ कोई भी कार्यक्रम बड़े से बड़ा किया जा सकता है। यहाँ एक कन्वेंशन हॉल भी बन रहा है जो अक्टूबर में बनना शुरू हो जाएगा, जहाँ समिट लेवल की मीटिंग्स भी की जा सकती हैं, उसको उस लेवल का बनाया जा रहा है। ये स्पेस अगर आपने देखा होगा, अभी पीछे यमुना बह रही है और सामने आपको हुमायूं टूम दिखाई पड़ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को यहाँ आकर सुकून मिलेगा। रेस्टोरेंट यहाँ बन रहा है और भी जो पब्लिक कन्वीनियंस की जगह चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं, वो नेक्स्ट मंथ तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ 1,000-2,000 लोग भी आराम से आकर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि और भी कई ऐसी चीज़ें बन रही हैं और धीरे धीरे हम दिल्ली के लोगों को इस तरीके की चीज़ें गिफ्ट करते रहेंगे।